जाया कर दी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। चलिए ये कब रोक रहा है? अच्छा एक मिनट, बात तो सुनो, सुनो मेरे, बात नहीं है मेरे को, मेरा दवाई नहीं, बात नहीं है। कहाँ जाना? यहीं जाना, वैशाली में जाना है। मैं उधर मोटरसाइकिल से भिजवा सकता हूँ, कार नहीं निकलेगी अगर इतनी देखिए। फिर मैं नहीं कह सकता क्योंकि किसानों में रोष है। आप ज्यादा करोगे, अभी तो शांतिपूर्वक है, कोई दिक्कत आ गई तो मैं कैसे करूं? सुनो, मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूं, देखिए अगर आपके पास दवाई और पर्चा है, मेरे को लेने जाना है दवाई वगैरह। देखिए ये गलत बात है, अभी आप तो मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप अभी आपने कहा दवाई देनी है, दवाई लेके लेने लेके भी तो दूंगा ना। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और हम लोग हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। जैसा आप देख रहे हैं कि आज गाजीपुर जो हाईवे है वो किसानों ने जाम कर दिया है, और जाम करने की जो वजह है वो साफ साफ बताई जा रही है कि राकेश टिकैत पे अलवर में गोली चली है, उसको लेकर के किसान गुस्से में हैं। और मैं दिखाऊंगा आपको कि किस प्रकार से किसानों ने जो गाजीपुर बॉर्डर है वो जाम कर दिया है। और किसानों की मांग है कि जिन लोगों ने राकेश टिकैत यानी जो किसान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उन पर जो गोली चलाई है उन लोगों को अरेस्ट किया जाए, उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। और किसान नेताओं का कहना है कि ये कहीं ना कहीं सरकार की सेह पर हुआ है और सरकार के इशारे पर हुआ है। ताऊ क्यों लगा रखा है जाम? भैया अलवर में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी पर गोलियां चली हैं। कब चली है, कब की घटना है? ये अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास खबर आई है। तो ये जाम, ये इसीलिए जाम लगा रखा? हाँ इसीलिए, अब सारे देश में इसी तरह चलेगा। कब तक रहेगा ये? कोई पता नहीं है, जब तक संयुक्त किसान मोर्चा का कोई आदेश नहीं आएगा ऐसे ही जाम रहेगा। लोगों को परेशानी हो रही है, लोग बीमार हैं, लोग अगर कोई अगर इमरजेंसी एम्बुलेंस आती है रास्ता देंगे, अग्नि वाले को रास्ता देंगे, अग्नि वाले को रास्ता देंगे, एम्बुलेंस को इमरजेंसी को रास्ता देंगे, उसके लिए हम तैयार खड़े हैं, उसके लिए तैयार खड़े हो। बाकी किसी को रास्ता नहीं मिलेगा, बाकी तो जाम है, बाकी जाम है। आप देख रहे हैं हरेंद्र ताऊ, हरेंद्र ताऊ का कहने का मतलब है कि बाकी सब जाम है और वो नहीं खुलेगा। यहाँ कुछ लोग हैं जो मतलब बातचीत कर रहे हैं। क्या बताइए, बताइए क्या है? मेडिकल देने, ये हमारे साथ ही है। नहीं मैं साथ में, इनकी गाड़ी है फंसी हुई, ये कह रहे हैं हमारी मदर एडमिट है हॉस्पिटल में लेकिन नहीं निकल पाएंगे, हमने कह दिया हम इनके लिए दूसरी गाड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं और इनको भिजवा देंगे घर, इस गाड़ी को यहीं छोड़ दें तो ये हमसे संतुष्ट है, बात करें। तो आप देख रहे हैं कि किसानों ने किस तरीके से यहाँ एक तरीके से प्रोटेस्ट किया है और पूरा जाम जो है उन्होंने वो लगा रखा है। कई लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो किसान हैं, किसानों के नेता हैं, उन्होंने जिस प्रकार से जाम लगाया है। ताऊ नेपाल है हमारे साथ। ताऊ क्या हुआ है, क्यों जाम लगा रखा है? ये लोग यूँ बता रहे हैं राकेश टिकैत पर कहीं हमला हो गया, राकेश पता नहीं अभी पूरा चल पाया बतला रहे हैं ऐसा। अच्छा कहाँ चली है गोली? कोई हापुड़ में बता रहा, कोई राजस्थान अलवर में बतला रहे हैं। तो अलवर में गोली चली है राकेश टिकैत पर, जैसा बताया जा रहा है, जिस प्रकार से बताया जा रहा है। और कुछ साथियों से बात करेंगे, यहाँ किसान नेताओं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला है क्या। आरएसएस मियन डिस्ट्रक्शन, इन्होंने 4000 साल पहले हमारे सिंध घाटी वैली की डिस्ट्रॉय किया था, राजा अशोक का राज बर्बाद किया था। अब जो 70 साल के देश की आज़ादी में इतनी डेवलपमेंट हुई हमारे देश की, उस सब को तहस नहस कर दिया। अब हमारे को बिंगे टेढ़े इलाके से हमारे किसानों पर हमला हो रहा है, हमारे को पीटा जा रहा है और हमारे को 4-5 महीने हो गए हमारे यहाँ को बैठे हुए, हमारे कोई सुनवाई नहीं है। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेग
चेंज करना होगा।